राजेंद्र नगर जोन में राजेंद्र नगर पुलिस पुलिस आज एक राबरी गैंग को पकड़े। वो लोगों अभी तक दो केसेस में इन्वॉल्व हुए। वो लोगों पूरा बिहार से आए, 2 साल पहले यहाँ आके काटेदान में रह रहे फैमिली के साथ, और रिश्तेदार को बुला लिए थे। यहाँ एक डिलीवरी बॉय जब और एक दूसरा फैक्ट्री में काम करते थे, बिहार जाके 8,000 में एक कंट्री मेड फायर आर्म ला के, उसमें एक टूटा भी है, उसको ला के दो ऑफेंसेस अभी तक करे। एक ऑफेंस में एक सिंगल आदमी मोटरसाइकिल पे जाने के टाइम पे, एक पान शॉप के पास वो लोगों आके खरीदने के टाइम पे जेब से पैसे जब निकाला, जब देखा उनके पास पैसा है बोल के उनको फॉलो अप करके ऊपरपल्ली एरिया में उन जाने के टाइम पे उसको रात में गाड़ी आड़ लगा के उसके पास वो बंदूक से धरा के वो पैसे ले खींच लिए थे, 11,000। एक केस है वो। और दूसरा केस में भी वो सिंगल आदमी जब जा रहा ना उनको धरा के उसके पास भी पैसे और आपको फोन एक खींच के गए थे। ये लोगों वहां से बिहार से हथियार लाके अभी तक 1 महीना हुआ, 1 महीने से प्लान करके दो ऑफेंस करने के बाद आज पकड़ा गया। अगर नहीं तो ये एरिया में ये लोगों बहुत और ज्यादा ऑफेंसेस करते थे। अब मैं पब्लिक से ये गुजारिश है कि ये ऐसा वेपन के साथ जो फिरते वो काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा से ज्यादा, ये बिहार का नहीं तो दूसरा स्टेट्स के लोगों आके यहाँ रह रहे, नहीं तो हमारा पास लोकल्स भी कोई भी वेपन का इस्तेमाल कर रहा वो ऐसा शेक है तो पुलिस को अगर थोड़ा इतला करे तो पब्लिक को सर्विस करा जैसा होता, इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग उनको गुजारिश कर रहे। और एक क्या है, दूसरा स्टेट वालों को घर देने से पहले किराए को उनका कम से कम उनका आधार रख लें। अब ये केस में अब जब घर के पास गया उनका, वो उनका घर का मालिक को पूछे तो वो लोगों आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, उनका नाम खाली एक नाम बोलता है। अगर वो नाम भी वो लोगों जो आदमी का नाम अगर अहमद है तो दूसरा नाम पे भी अगर वो लोगों ले सकते, ऐसा नहीं उनका एक आधार तो कम से कम रख लिए तो उनको थोड़ा डर रहा था।